नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल, और आज जो मेरे साथ शख्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खास हैं। तो एक खास इंट्रोडक्शन भी बनता है पॉडकास्ट से पहले कि रख खुद पर हौसला, एक समय ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी और समय तेरा बताएगा। और ऐसे ही रियल लाइफ हीरो हमारे साथ आज मौजूद हैं, कमांडर गौरी मिश्रा जी। काफ़ी सारे विश्व के रिकॉर्ड इनके नाम है, ना कि इनके नाम, इनके बेटे के नाम भी हैं। और सर्व करती आ रही हैं काफ़ी सालों से इंडियन नेवी को और हमारे देश को, और देश की प्राइड हैं। तो इनका स्वागत करते हैं आज के हमारे खास पॉडकास्ट सेगमेंट में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, रियली मीन्स अ लॉट। बिल्कुल, और जो मैंने कहा शुरुआत में कि खुद पर भरोसा रखो, मैनिफेस्ट भी करो, मेहनत भी करो, तो एक समय ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी और आपका समय बताएगा कि समय क्या है। तो शक्ति अवार्ड्स हमारा आज का थीम है, आज के अवार्ड्स का। सीएम आतिशी वॉज देयर, जो कि खुद एक महिला हैं, और महिला शक्तिकरण की हम बातें करते हैं। तो गौरी जी को शक्ति कहाँ से आती है, जब वो अपने लो की फेज में होते हैं, जब अपने स्ट्रगल टाइम में थे, या जब एक बैड फेज आता है लाइफ में, तो शक्ति आपका कहाँ से आती है, शक्ति आपके पास? शक्ति हम सभी के अंदर है। हमारे धर्म में तो कहते ही हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। इस ब्रह्म कांच हम सभी के अंदर है। जरूरत इस चीज की है कि हम अपनी उस शक्ति को पहचाने। और मेरा मानना है कि कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन आप अपनी उस शक्ति को जरूर पहचानेंगे, और जो भी आप चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। हार्डवर्क और टैलेंट के आगे कोई चीज नहीं टिकती है। मेरी लाइफ में भी बहुत मोमेंट्स आए, बहुत उतार चढ़ाव आए, जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी। बट उसके बाद मुझे ये लगता है कि यू हैव टू नेवर गिव अप। जो आपकी जर्नी पे थोड़ी सी बात करते हैं, और अब तो चलो हम इजीली बोल देते हैं आपने ये किया वो किया, लेकिन उसको करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीरो से स्टार्ट करना, एक अचीवमेंट तक पहुंचना, तो इतनी रिकॉर्ड्स, पहली बात तो आपके नाम है, आपके बेटे के नाम है, तो एक एक करके आप वो बताना शुरू करें, क्योंकि मैं तो लिस्ट गिनते गिनते थक जाऊंगा जितने आपके रिकॉर्ड हैं। और मैं खुद शॉक हो गया था जब इन्होंने मेरे को, बिहाइंड द कैमरा भी हम बात कर रहे थे, जो कि 100 किलोमीटर वाले भी मैं शॉक हो गया। अब तो 10,000 किलोमीटर कितने रिकॉर्ड्स इन्होंने साइकिलिंग में बेसिकली बनाए, और ना कि नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अब रिप्रेजेंट करने वाले काफ़ी कुछ टाइम बाद ही। और वर्ल्ड रिकॉर्ड तो है ही, वो तो इनका जो है वो तो है ही। तो मैम, आप शुरू से शुरू करें, एक एक करके रिकॉर्ड्स पे बातें करते हैं आज। 16 ईयर्स तक, 16 साल तक मैंने नेवी में सर्व किया। इंडियन नेवी में परमानेंट कमीशन ना मिलने के कारण मैंने डिसाइड किया कि अब मैं नेवी छोड़ देती हूँ। नेवी छोड़ने के बाद मैंने साइकिलिंग में थोड़ा मेरा रुझान था। मेरी मदर भी इंडिया लेवल पर साइकिलिंग कर चुकी हैं, एंड एशियन गेम्स भी उनका चयन हो गया था, बट जा नहीं पाई थी। तो मैंने अपनी मदर से बात करी, उन्होंने कहा बेटा कुछ टाइम मिल रहा है, सिंस मैं चेन्नई में अकेले पोस्टेड थी, मेरा बेटा जो था वो दिल्ली में था उस टाइम पर, और मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग उस टाइम मुंबई में थी। तो मैं साइकिल चलाती थी चेन्नई में, कोई वहाँ पे इतना मेरा एक्वेंटेंस रिलेटिव्स फ्रेंड्स थे नहीं। तो धीरे धीरे साइकिलिंग करते हुए मुझे, मैंने अपने बेटे को भी प्रोत्साहित किया, और मेरे से प्रेरणा लेने के बाद उसने 108 किलोमीटर की साइकिलिंग, रायन द लाइन 108 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप साइकिलिंग करी, जो कि एक विश्व कीर्तिमान है। और इसके बाद ही उसका नाम सोशल मीडिया पे और डाउन साउथ उसका नाम पड़ गया, रायन द लाइन। इनफैक्ट इसी के कारण मुझे उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी खोलना पड़ा उसके पहले फौज में। आपको आता भी हो कि आप रायन की मम्मी है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद हमने इम्प्रूव किया, और इम्प्रूव करने के बाद मेरे बेटे ने 7 साल की उम्र में 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर नॉन स्टॉप साइकिलिंग करी। तो माँ बेटे के द्वारा ये एक अनूठा प्रयास था और अनूठा विश्व कीर्तिमान था। क्योंकि मैं, माँ और बच्चा जब दोनों साइकिल चला रहे होते हैं रोड पर, तो वो नज़ारा देखने वाला होता है, क्योंकि मेरा बेटा छोटी सी साइकिल पर अपनी वो जो, और पहली बार इस तरह का कुछ हो रहा है। हाँ, इंडिया में पहले कभी ऐसा कुछ देखा नहीं गया है। तो ये न्यूज इतनी ज्यादा वायरल हो गई थी कि कई सारे, नॉट ओनली नेशनल न्यूज चैनल्स, बट बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स लाइक कॉर्नर्स ट्रैवलर, जो यूके की मैगजीन है, इन्होंने भी हमें कवर किया। तो यूएस, यूके, वियतनाम, रशिया, ना जाने कितनी लैंग्वेजेस में और कितने इंटरव्यूज हमने दिए। बट अच्छा चीज, अच्छी बात इसमें यह थी कि हमने महिलाओं और बच्चों को ये प्रोत्साहित किया कि वो घर से बाहर निकलें, फिटनेस के प्रति काम करें। एंड वी ऑल्सो रन अ कैंपेन विच इज पेडल फॉर प्लैनेट, साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ, बिकॉज साइकिलिंग इज द फ्यूचर, वी हैव टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। देन बात करते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड की। मैं और मेरे बेटे ने साइकिलिंग करते करते 8 से 10 हज़ार किलोमीटर की साइकिलिंग की जर्नी पूरी करी।
एंड उसके बाद मुझे पता चला कि ट्रैक साइकिलिंग एक अलग तरीके का स्पोर्ट होता है, तो हमने उसमें ट्रेन करना शुरू किया। और मेरा बेटा जो था वो 8 साल की उम्र में यंगेस्ट ट्रैक साइकिलिस्ट बना, एंड ही गेव अ वेरी गुड टाइमिंग ऑल्सो। उसमें जो स्प्रिंट्स होती हैं तो स्प्रिंट में उसकी बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग थी जो आज तक विश्व में किसी ने नहीं दी हुई है। अब माँ ने बेटे को प्रेरित किया या बेटे ने माँ को प्रेरित और किया, आपको आपकी मम्मी ने किया। हाँ, उससे बेटे से प्रेरणा ली कि जब ये ट्रैक साइकिलिंग कर सकता है, क्योंकि उस टाइम पे 8 साल 9 साल की उम्र में कोई उसको साइकिलिंग सिखाता नहीं था, तो उसको सिखाते सिखाते ना मैं खुद भी साइकिलिस्ट बन गई। एंड लास्ट ईयर मैंने इंडिया को एट वर्ल्ड लेवल इंटरनेशनल लेवल रिप्रेजेंट करवाया। पहली बार किसी महिला ने ट्रैक साइकिलिंग में वर्ल्ड मास्टर्स ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व किया। स्विट्जरलैंड की एक संस्था है यूसीआई, जैसे आईसीसी इज फॉर क्रिकेट, यूसीआई इज फॉर साइकिलिंग। तो वहाँ के भी ऑफिशियल से मुझे बोला कि पहली बार भारतीय ध्वज को हमने इस मास्टर्स ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में पहली बार भारत का झंडा लहराया है आज। तो वो बहुत ही मेरे लिए एक गौरवान्वित करने वाला पल था। कभी हमने फौज में नहीं सोचा था कि हम जाकर के इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे साइकिलिंग में, स्पोर्ट्स की फील्ड में आएंगे, स्पोर्ट्स की फील्ड में आएंगे। बट परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मेरे हस्बैंड का स्काई डाइविंग के टाइम पर एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनको चलने में काफ़ी तकलीफ हो गई एंड ही इज़ डिसेबल्ड। तो मुझे लगा कि वो ऐसा दौर था जब मैं बहुत ही एक स्ट्रेस होता है उस दौर से गुजर रही थी, क्योंकि हर को लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बट देन आई रियलाइज कि अगर भगवान ने प्रॉब्लम दी है तो भगवान उसको ठीक करेंगे। मुझे जो आता है मुझे उस पर लगे रहना है, करते रहना है। मुझे साइकिलिंग आती थी, मेरे बेटे को लगा कि नहीं मम्मा मुझे फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, जब समहाउ मुझे खेल लेती थी बट मैं एक्सपर्ट नहीं थी उस फील्ड में। मुझे साइकिलिंग रनिंग ऐसी चीज़ें आती थी। मैंने उसको बोला बेटा तुम मेरे साथ ये सब करना शुरू करो। तो वो धीरे धीरे बच्चे का भी इंटरेस्ट बना और उसको मैंने अपने साथ ले करके साइकिलिंग शुरू करी। और आज नतीजा ये है कि उसको देख करके ना जाने कितने ही बच्चे युवा इंस्पिरेशन भी है, जैसे आपने बताया रहा इनके बारे में। तो ये पूछना चाहूँगा कि मम्मी माँ बेटे की तो खट्टी मीठी केमिस्ट्री रहती है, तो कभी रायन ने बोला कि मम्मी यार आज ना रहने देते हैं, आज कहीं घूमने चलते हैं, आज छोड़ प्रैक्टिस, ऐसा कुछ मोमेंट? ऐसा मोमेंट अभी तक तो नहीं आया है, बिकॉज दैट बॉय इज सेल्फ ड्रिवन। नाउ ही फील्स कि आई कैन डू इट, एंड जब वो देखता है कि बड़े बड़े लोग हैं नहीं कर पा रहे हैं, मैं ये कर लेता हूँ, तो उसके अंदर से एक अंदर से वो दृढ़ निश्चय आ रहा है कि मैं इस चीज़ में अच्छा कर सकता हूँ। यू नो हमारे बच्चे को जो भी चीज़ अच्छी लगती है हमें उसमें उसको कॉन्फिडेंस दे देना चाहिए। अगर उसको कॉन्फिडेंस मिल जाए तो भले वो आर्ट हो, क्राफ्ट हो, कोई भी फील्ड हो जिसमें भी बच्चे का इंटरेस्ट है, उसमें आप उसको इनकरेज करेंगे, एंड आई एम श्योर स्लोली एंड ग्रेजुअली यू रियलाइज कि बच्चा आपसे एक कदम आगे हो गया है। yes. देखिए मोबाइल पर बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं कि नहीं, कैसे हो जाते हैं? क्योंकि वो उनको अच्छा लगने लग जाता है। हमारा काम ये है कि हमें बच्चे का इंटरेस्ट ढूंढना है और उस इंटरेस्ट में उसको आगे बढ़ाते जाना है। yes. आप उसको आगे बढ़ाएंगे, यू विल सी दैट योर बॉय और गर्ल इज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर आफ्टर अ व्हाइल। यस, अगले सवाल पे मैं जाना चाहूँगा। जिस तरह हमारी लाइफ में एक जर्नी हम शुरू से करते हैं तो पेरेंट्स का तो सपोर्ट रहता ही है, लेकिन हमारा आज का ये बात भी हो रही थी इससे पहले जो पॉडकास्ट में कि सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं ना, एक महिला का हाथ होता है एक आदमी की सक्सेस के पीछे, वैसे एक महिला की सक्सेस के पीछे भी आदमी का हाथ हो सकता है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि लोग बात इस बारे में कम करते हैं। तो हाउ वाज योर इक्वेशन, क्योंकि उस समय आपके हस्बैंड ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया होगा और इनिशिएटिव जब आपने लिया कि मेरे को स्पोर्ट्स में जाना है, तो वो कैसा था मोमेंट? पहले तो मैं अपने पिताजी को श्रेय देना चाहूँगी। 2005 में जब मैंने फौज ज्वाइन करने का निर्णय किया, उस टाइम पर लड़कियाँ फौज में नहीं आती थी, एंड मेरे फादर ने कभी भी मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है आप फौज में जाना चाहते हो बट करो, बट उसके लिए रनिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, ऐसे फौज में नहीं जा सकते। एंड एज अ फादर ही इनकरेज मी, सुबह 6 बजे उठा करके, हमारे घर में कोई फौजी नहीं है, किसी को फौज के बारे में कुछ पता भी नहीं था। मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ जहाँ इंडियन नेवी मर्चेंट नेवी सब एक है। तो उस टाइम पर जब मैंने फौज में जाने का निर्णय किया तो मेरे पापा ने तुरंत मुझे इनकरेज किया। तो यू नो इनकरेजमेंट एंड प्रोत्साहन आपके घर से ही आता है, तो मेरे फादर ने मुझे इनकरेज किया और मुझे आगे से आगे प्रमोट किया, फॉर्म्स लेकर के आए मेरे लिए, आर्मी का है ये, कुछ एयरफोर्स का है, सब भर दो। तो मैंने वो सारे फॉर्म्स भरे। इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे इनकरेज किया कि NCC भी ज्वाइन करो। तो मैंने 3 साल NCC भी करी हुई है, मैं NCC एयरविंग की कैडेट भी रही हूँ, और
भगवान की कृपा से मेरा फौज में सिलेक्शन भी हो गया। उसके बाद भी उन्होंने कहा एक बार सिलेक्शन हो गया बट सीखो फौज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और इसी वजह से उनके प्रोत्साहन के कारण ही मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, ड्रिल सीखी जो हमें नहीं पता थी, हमने ड्रिल सीखी और शायद मैंने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसी वजह से मेरा चयन जो रिपब्लिक डे परेड होती है, आपने देखा होगा रिपब्लिक डे परेड, हाँ, कर्तव्य पथ पर, उस जमाने में आई वॉज द ओनली लेडी ऑन दैट एंटायर माइटी राजपथ, उस टाइम पर उसको राजपथ बोलते थे, जिसने प्रधानमंत्री के सामने राष्ट्रपति को सल्यूट किया। और बहुत ही कठिन होता था क्योंकि आपको करीब पूरी एंटायर परेड में सभी ऑल मैन वर देयर, सो आई वाज द ओनली लेडी दैट टाइम एंड पीपल यूज्ड टू फील सो क्यूरियस कि भाई क्यों आ गए तुम, इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड थिंग कि भाई परेड करना तो जनरली मेल ऑफिसर्स का काम होता है। आज के दिन में हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो आगे आ चुकी हैं, वो परेड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, इनफैक्ट एक पूरी की पूरी कंटिजेंट ही महिलाओं की है, बट उस जमाने में ये सब चीजें नहीं थी। आई गेस आई लेड द फाउंडेशन फॉर देम। ओह वाओ, ये भी एक इंस्पायर, क्योंकि तभी मैंने शुरुआत में कहा रियल हीरो आज हमारे साथ है। रियल हीरोज तो हम देखते रहते हैं लेकिन रियल लाइफ हीरो, क्योंकि काफ़ी इंस्पिरेशन भी आपकी जर्नी से लोगों को मिलेगी जो आपको देख रहे होंगे। अब मैं, आपने इतने साल जिंदगी के गुजार दिए हैं, तो एक सवाल दिल का एक सवाल है कि लाइफ क्या है आपके लिए, या लाइफ को कैसे जीना चाहिए? जो लोग छोटी छोटी चीज़ों पे दुखी हो जाते हैं, मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, या गलत थॉट्स आते हैं दिमाग में कि यार सुसाइड कर लें, ये सब कर लें, तो आपके हिसाब से लाइफ क्या है? लाइफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं और यही लाइफ है, बट हमारा एम ये होना चाहिए कि जो भी हमारा इंटरेस्ट है, हम अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को फॉलो करें और डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। आज नहीं तो कल बात बनेगी, ये नहीं मिलेगा तो वो मिल जाएगा, बट कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हमें अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखना चाहिए, एंड जैसे आपने बोला सुसाइड या ऐसी चीजें के बारे में नहीं सोच, हाँ डिप्रेशन, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, हर की लाइफ में होता है। मैं भी बहुत ऐसे टाइम से गुजरी हूँ जब मुझे बहुत, मैं स्ट्रेस में थी, डिप्रेशन में थी, मुझे लग रहा था मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बट अगर हुआ है, अगर कुछ खराब हुआ है तो अच्छा भी होगा, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। मैं बातें कर रहे थे हम स्ट्रगल ये सब की, थोड़ा सा लाइटर कर देते हैं कन्वर्सेशन को। आज काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं आप, मेरे को तो लगा नहीं आप आर्मी से हैं, जिस जो आपने आज फैशन स्टेटमेंट आपका दिख रहा है, तो क्या है फैशन आपके लिए? फैशन क्योंकि अच्छा नेकलेस भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो फैशन भी है कहीं ना कहीं फौज के साथ साथ, तो एफ से फौजी, एफ से फैशन क्या कहेंगे? बहुत ही दिलचस्प सवाल है ये। तो हाँ, मैं प्रमोट करती हूँ, मुझे लगता है कि जो भी आपका स्टाइल स्टेटमेंट है और जो भी आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर करना चाहिए। जैसे मैं हमेशा खादी को प्रमोट करती हूँ, मैं ऐसी चीज़ों को प्रमोट करती हूँ जो हमारे वीवर्स के द्वारा बनाई गई हैं, बिकॉज इंडिया में यू सी क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स की कमी नहीं है। टेक्सटाइल, इंडिया का टेक्सटाइल वर्ल्ड फेमस था, और मैं तो वैसे भी कानपुर से हूँ, कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, कितनी टेक्सटाइल कंपनीज थी वहाँ पर, अब नहीं है। बट तो मैं, जो भी मैंने पहना हुआ है ये भी लिनन खादी का ही है, तो आई प्रमोट एंड आई लव ड्रेसिंग अप एंड आई ऑल्सो फॉलो द स्टाइल और फैशन। हाँ, ये नहीं, इतनी गंभीरता से नहीं लेती हूँ, बट हाँ जब भी मौका मिलता है तो जरूर। फैशनेबल मम्मी है। अगला सवाल पूछना चाहूँगा, दिल्ली में हम हैं तो दिल्ली की क्या मेमोरीज हैं, यानी स्ट्रीट फूड, या आपको ऐसा कोई वेंडर याद हो जो आपकी यादें यहाँ पे आके दोबारा ताज़ा हो गई हूँ, अभी हम बैठे हैं दिल्ली में नेशनल कैपिटल। तो जब हम चेन्नई में थे तो मैं काफ़ी मिस किया, मैंने हल्दीराम बीकानेर वाला, ये सब चीज़ें बहुत मिस करी क्योंकि वहाँ का स्वीट्स अलग है, छोले भटूरे अलग है, इनफैक्ट टिक्की चाट वगैरह भी अलग है, तो स्वीट्स और ये सब चीज़ों के लिए तो दिल्ली फेमस ही है, और दिल्ली से दिलचस्प खाना कहीं और है नहीं। बिल्कुल, आजकल ना एक मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे स्पेशल फोर्सेस के, ये सब इनके पॉडकास्ट में देख रहा था, उसमें तो वो ना अपना एक ऐसा किस्सा शेयर कर रहे थे जो कि उनका ऐसा मेमोरेबल किस्सा था जो कि उनको मरते दम तक याद रहेगा। तो आपका इंडियन नेवी में ऐसा कोई किस्सा हो, या किसी का ऐसा इनकाउंटर कुछ हो, या ऐसा मिशन हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, एक कोई मोमेंट जो आप बता सकते हैं, इफ़ यू कैन रिवील दैट। ऐसे तो कई मोमेंट्स हैं जहाँ पर मैंने नेवी में, कई मोमेंट्स आए हैं, एक मोमेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं एडीसी थी नेवल चीफ की, तब काफ़ी जगह मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला, बहुत सारे कंट्रीज़ में ट्रैवल करने का मौका मिला, एंड आई एम थैंकफुल टू माई नेवल चीफ दैट टाइम दैट ही गेव मी एन अपॉर्चुनिटी
टू सी द वर्ल्ड, क्योंकि नेवी की टैगलाइन होती थी ज्वाइन द नेवी सी द वर्ल्ड। एंड मैंने बोला अपने सर को कि सर जब से नेवी ज्वाइन करी है ज्वाइन द नेवी तो हो गया, सी द वर्ल्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पर महिलाओं को वो चीज़ वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। सो आई वेंट ऑन वेरियस डिप्लोमेटिक मिशन अब्रॉड एंड आई गॉट लॉट ऑफ एक्सपोजर एंड इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ फॉरेन नेवीज। सो 2008-09 में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर बाहर ट्रैवल करना, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव्स, बहुत सारी कंट्रीज घूमे, एंड जो इंटरेक्शन, जो एक्सपोजर मुझे मिला और जिस तरह से मैंने देखा कि वहाँ की महिलाएं किस तरह से काम कर रही हैं, कंधे से कंधा मिला करके पुरुषों के साथ काम कर रही हैं, तो वो चीज़ें जब मैंने सीखी, वो चीज़ें मैंने आकर के कोशिश करी कि वो हम अपने इंडियन नेवी में भी प्रोमिलगेट कर पाए। और आज उन सब प्रयासों का, सभी लोगों के प्रयासों का नतीजा ये है कि आज वुमेन को, जो भारतीय सेना में महिलाएं हैं, उनको परमानेंट कमीशन मिलता है। यस, बहुत ही इंस्पिरेशनल थी आपकी पूरे जो आपने जर्नी बताई, किससे जो शेयर किए। लास्ट नॉट द लीस्ट, रैपिड फायर विद यू, तो छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब रहेंगे आपके। तो सबसे पहला, आप तो पूरा ट्रैवल कर चुकी हैं, तो एनी ट्रैवल डेस्टिनेशन ऑफ यू, फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन ऑफ योर्स जो आप बताना चाहें व्यूअर्स को? इंडिया नहीं, कहीं पे भी, जो जहां उनको जाना चाहिए एक बार तो लाइफ में। इट डिपेंड्स, बट मैंने, मुझे विशाखापट्टनम बहुत अच्छा लगा। ग्लोबली आई फील मालदीव्स इज वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी फूड आइटम जिसके बिना पूरी जिंदगी, चाहे ये तो मुझे चाहिए चाहिए, इसके बिना जिंदगी अधूरी है। अच्छा, कानपुर का एक बहुत ही फेमस है मलाई मक्खन। मलाई मक्खन, मलाई मक्खन। ओके, एनी फेवरेट मूवी ऑफ योर्स जिसको देख के आप इंस्पायर होते हैं हर बार जब भी उसको देखें? मेरी जिंदगी खुद मूवी से कम नहीं है, तो आई ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम माय लाइफ। ओके, एनी फेवरेट बॉलीवुड स्टार? अमिताभ बच्चन। ओह, एंड फीमेल एक्ट्रेस? रेखा जी। ओके, योर वन वर्ड में योर फैशन स्टेटमेंट? कंफर्टेबल। ओह नाइस, एंड मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बीचेस और माउंटेन्स? बीचेस। ओके, लास्ट में एक आपको, एक जनता जो हमारी देख रही है उसके माध्यम से आप जो एक मैसेज, एक अवेयरनेस जो पहुंचाना चाहते हैं, खासकर जो हमारा वुमेन ओरिएंटेड आज का पूरा वर्ड्स था, तो एक मैसेज जो कि आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपके बेटे की तरह बनना चाहते हैं और कुछ एक एक्सेल करना चाहते हैं इस फील्ड में, उनके लिए एक संदेश चाहते चाहते आप दे दीजिए। जो भी आपको अच्छा लगता है लगे रहिए, हार मत मानिए, एक ना एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल, तो इन्होंने एक ही लाइन में आपको बता दिया है, तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बहुत ही डीप संदेश है कि आप जो भी करते रहिए उसको शिद्दत से करिए, और वो कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट और जो मेहनत दोनों करता है उसको हमेशा लाइफ में सब कुछ मिलता है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती टाइम दिया, और सल्यूट टू यू फॉर योर ऑल द वर्क यू आर डूइंग एंड सर्विंग द नेशन, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अपकमिंग। आप गोल्ड तो कलर तो पहन के आई हैं, चाहते गोल्ड भी जल्दी आ जाए और अगली बार मेडल पहन के बैठी हूँ हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड वर्ड्स, एंड यू आर एन अमेजिंग होस्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द NewsX YouTube चैनल, हिट द बेल आइकन।